इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनजी कंटेंट के, उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हम इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो मैं सर्वर एलिमेंट में जाऊंगी, तो मेरा ये जो पी होगा इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दूंगी, इसको सेव करूंगी और ऐप कंपोनेंट में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, ऐप कंपोनेंट में जहाँ पे मेरे पास ये सर्वर एलिमेंट, जो ऐप सर्वर एलिमेंट है, जहाँ पे ये क्लोज हो रहा है इसका टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही, तो जो एलिमेंट है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगी इस सर्वर एलिमेंट से। तो इसको यहाँ पे सर्वर एलिमेंट कर लेते हैं, जहां जहां पे आ रहा है ये। सर्वर एलिमेंट यहाँ कर दिया, यहाँ पे भी सर्वर एलिमेंट कर दिया। इसको सेव करते हैं और इसको देखते हैं ये हमारे पास चलता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड करती हूँ, ऐड सर्वर करती हूँ, ये ऐड तो हो रहा है लेकिन इसका कंटेंट हमारे पास आ नहीं रहा है। किस वजह से नहीं आ रहा है कि जो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर होता है, जब भी एंगुलर एप्लीकेशन रन होती है तो ये जो डेटा अंदर होता है वो लॉस हो जाता है, मतलब वो हमारा ज़ाया सारा जाता है। उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्वर एलिमेंट के अंदर HTML में एनजी कंटेंट लिखेंगे। तो इसको मैं अगर सेव करूँ, इसको रन करूँ एप्लीकेशन को, तो हमारे पास ये वापस डेटा आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करती हूँ प्रिंटर डिस्प्ले, पर गलत हो गए लेकिन हम सब ये देखते हैं हमारी एप्लीकेशन चल रही है, तो ये हमारा इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, अपना एनजी कंटेंट यूज़ किया। एनजी कंटेंट क्या करता है, ये एक टैग होता है, एज अ प्लेस होल्डर यूज़ होता है डायनामिक कंटेंट के लिए। जब भी एंगुलर जो होती है वो टेम्पलेट पार्स करता है, तो वो रिप्लेस कर देता है इसको एनजी कंटेंट से। तो फॉर एग्जाम्पल पहले वो यहाँ पर देखेगा एनजी कंटेंट है, एनजी कंटेंट से वो इस वाले डेटा के अंदर आ जाए, तो ये जो हमारा डेटा लॉस हो रहा था एंगुलर में, तो ये लॉस नहीं होता। तो ये हमारा ये होता है कि हम रीयूजेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोई टैब है, उसको मैंने यूज करना है बार बार अलग अलग कंपोनेंट में, बजाय कि मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करूं। प्रॉपर्टी बाइंडिंग हमने पढ़ी हुई है कि जिसमें हम पूरा वो इनपुट आउटपुट के थ्रू हम यूज कर रहे होते हैं, इनपुट आउटपुट यूज करते हैं, तो वो हम इवेंट बाइंडिंग होती है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है, वो यूज करने से बेहतर है कि हम एनजी कंटेंट यूज करें। तो हमारे पास जहां पे हमें इजी लगे कि एनजी कंटेंट यूज करना है, तो वहां पे हम एनजी कंटेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अपने पेरेंट कंपोनेंट से डेटा अपने चाइल्ड कंपोनेंट को भेजा, तो इस तरह हम रीयूजेबल कर सकते हैं कंपोनेंट को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इतना।